गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू कृष्णा बाल विद्या मंदिर क्लासेस। आज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में डील कर रहा हूँ, क्लास 11th, और टॉपिक है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल जनरल एंट्रीज लेके आया हूँ जिनका एग्ज़ाम में अक्सर प्रयोग होता है। किस तरीके से बनाई जाती हैं आज मैं उन लोग सब चीज़ों को आपको बताऊँगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी, और इसका PDF मैं आपको इसके साथ में अपलोड भी करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज। तो आज मैं आपको जनरल एंट्री में कुछ स्टेप सिखाऊंगा। जैसे सबसे पहले व्यापारिक छूट, और दूसरा नकद छूट। ठीक है, ये दोनों चीजें जुड़ती हैं हमारी छूट से। छूट यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक व्यापारिक और एक नकद छूट। व्यापारिक छूट को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और नकद छूट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। आज इन दोनों ही छूटों के विषय में बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। दोनों ही छूट हैं, दोनों से ही हमारी जो म्युनिसिपल वैल्यू, मेन वैल्यू होती है, वो घटा दी जाती है। ठीक है, दोनों ही छूटों को माइनस किया जाता है, और दोनों ही छूटों के बीच में दूसरा पॉइंट ये जुड़ता है, व्यापारिक छूट का पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होता, लेकिन इसको पुस्तकों में लिख करके दिखलाया जाता है। ये दोनों बातें मैं आप लोगों के सामने इसलिए बता रहा हूँ कि जनरल एंट्री में इनका बहुत बड़ा प्रयोग होता है। हालांकि व्यापारिक छूट और नकद छूट मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट, ऐसी छूट जो ग्राहकों को माल की बिक्री को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से दी जाती है, उसे व्यापारिक छूट कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक ही प्रोडक्ट दो दुकानदार बेच रहे हैं, सपोज ये मार्कर पेन है, इसकी कीमत 25 रुपये है, बराबर बराबर दो दुकानें हैं, दोनों दुकानदार बेचते हैं, दोनों ही इसे 25-25 रुपये का बेच रहे हैं। अब ऐसे में ग्राहक, एक ही दुकानदार चाहे कि उसकी दुकान पर ग्राहक ज़्यादा आए और दूसरे पर नहीं आए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उन्हें एक स्पेशल ऑफर प्रोवाइड करेगा। वो कहेगा कि ठीक है भाई, तुम ये मार्कर पेन जो है मुझसे खरीदो, इसके लिए मैं तुम्हारे को एक स्पेशल डिस्काउंट दे देता हूँ। ये मैन अब मैं तुम्हें 23 रुपये का दूंगा, यानी 2 रुपये की तुम्हें विशेष छूट दी गई। तो ऐसे में जो 2 रुपये छूट दी गई वो कहलाएगी विशेष छूट या व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट कहलाएगी। व्यापारिक छूट के समय ग्राहकों को यह आकर्षण दिया जाता है कि वह माल को अधिक से अधिक मात्रा में खरीदें, यानी कि व्यापारिक छूट देने का उद्देश्य केवल माल की बिक्री को बढ़ाना होता है। लेकिन दूसरी छूट होती है नकद छूट। नकद छूट का उद्देश्य माल की बिक्री को बढ़ाना तो होता ही है, साथ ही साथ माल की नकद बिक्री या नकद भुगतान या शीघ्र भुगतान प्राप्ति का उद्देश्य होता है। जैसे ग्राहक से ये कहा गया कि तुम ये माल मुझसे खरीदते हो तो तुम्हें ये 25 रुपये का पेन है, अगर तुम मुझसे खरीद रहे हो तो मैं तुम्हें 24 का दूंगा, लेकिन अगर तुम इसका भुगतान नकद करते हो तो नकद भुगतान करने में मैं तुम्हें इसमें 1 रुपये की या 50 पैसे की स्पेशल डिस्काउंट और दूंगा, तो उसे कहते हैं नकद छूट। लिहाजा दोनों ही छूटें क्वेश्चन में अपनी जगह वर्क करेंगी। व्यापारिक छूट माल की बिक्री को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से दी जाती है, नकद छूट यानी कैश डिस्काउंट नकद भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। दोनों ही छूटों को वस्तु के मूल्य में से घटा दिया जाता है, दोनों ही डिस्काउंट्स वस्तु की, प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस कर दी जाती है। लेकिन व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट का पुस्तकों में कोई लिखकर लेखा नहीं होता है, लेकिन नकद छूट का लिखकर लेखा किया जाता है। अभी जैसी ये मैंने बात बताई, इसी बात की तरह से अब मैं इसकी कुछ एंट्रीज को लूँगा, उन्हें आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैं डिस्काउंट से रिलेटेड एक एंट्री बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। एंट्री है 10,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा तथा नकद भुगतान करने पर 2% नकद छूट, बल्कि 2 की जगह बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, 5% नकद छूट भी
प्राप्त की। अब जरा इस एंट्री को बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने कहा 10,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा, साथ ही नकद भुगतान करने पर 5% की नकद छूट भी प्राप्त की। अब इसकी आपको एंट्री बनानी है खरीदने की। तो ध्यान से एक बात को समझ लीजिए, 10,000 रुपये का माल है, ये मैं आपको वर्किंग नोट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, 10,000 का माल है, इस पर व्यापारिक छूट लगा रहा है 10%, यानी कि 1,000 रुपये। अब प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है सिखाने की, वो सबको आते होंगे, है ना। 10,000 का 10%, 1,000 रुपये रह गया माल 9,000 रुपये का। अब चूंकि नकद भुगतान हो रहा है इसलिए नकद छूट भी लगेगी, कितने परसेंट है, जी हाँ 5%। तो 9,000 का 5%, 450 रुपये की डिस्काउंट इसमें लगाकर ये माल 8,550 रुपये में खरीदा गया होगा। ठीक, ये तो हो गई इसकी कैलकुलेशन। अब एंट्री कैसे बनेगी इस बात को करते हैं। तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नियम की शुरुआत में कि व्यापारिक छूट और नकद छूट दोनों घटाई जाती हैं। व्यापारिक छूट तक का लेखा नहीं होता, नकद छूट से लेखा किया जाता है। यानी कि हमने माल खरीदने की एंट्री बनाएंगे तो बोलेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक, ये एंट्री इस तरीके से इसके साथ शो की गई। लिहाजा एंट्री को ड्रॉ करते समय आपने कहा परचेस करा था 9,000 रुपये का माल, क्योंकि 10,000 रुपये का तो माल बिफोर ट्रेड डिस्काउंट था, यानी व्यापारिक छूट से पहले था, है ना। और जब ग्राहक को हमने सैटिस्फेक्शनली माल दिया है तो हमने उससे कहा था ये माल 9,000 रुपये में लागू होगा। और कैश डिस्काउंट अगर हम बात करते हैं तो 450 रुपये की हमने छूट दे करके 8,550 रुपये में इसका भुगतान कर दिया। लिहाजा एंट्री इस तरीके से इसकी बनाई जाएगी। ठीक, यह एंट्री माल खरीदने की हो गई। अब इसी तरीके से माल बेचने की बात करते हैं। 15,000 रुपये का माल 10%, बल्कि रकम सही कर लो, 20,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट व 5% नकद छूट पर बेचा। ये मैंने अमाउंट एक जैसी लगभग रखी कंडीशन की वजह से कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो इसकी भी देखो, 20,000 रुपये का माल था, व्यापारिक छूट 10%, यानी कि 2,000 रुपये कम हो गए, माल रह गया 18,000 रुपये का, नकद छूट 5% कह रहा है, यानी कि 900 रुपये घटा दीजिए तो 17,100 रुपये का पेमेंट आ गया। घटाई दोनों छूटे हैं लेकिन व्यापारिक छूट का कोई लेखा नहीं होता, इसलिए नकद छूट से ही लेखा करेंगे और एंट्री बन जाएगी माल बेचने की। और याद रखो माल बेचते समय रुपया हमारे पास आता है, इसलिए कैश अकाउंट DR, छूट दे रहे हो इसलिए नुकसान हो गया, तो डिस्काउंट अकाउंट DR और टू बेचने के लिए सेल्स अकाउंट। एज पर द टर्म्स कैश अकाउंट DR 17,100, डिस्काउंट 900 और पेमेंट 18,000। ये एंट्री इस तरीके से बनाई जाएगी, आप इसे नोट करते रहना, समझ में आ रहा है। ठीक, अब इन छूटों के साथ में इसमें और टर्म्स में और जोड़ता हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें कुछ चेंजेस दिखाता रहूंगा आप लोगों को, करके इन्हें ध्यान से समझते रहिएगा। कंडीशन आया 5,000 रुपये का माल कमल को 10% व्यापारिक छूट पर
बेचा तथा नकद भुगतान करने पर पांच प्रतिशत नकद छूट दी। कमल ने 50% रकम का नकद भुगतान कर दिया। अब देखो पिछली कंडीशन से इस कंडीशन में एक नया रिवॉल्यूशन, नया चेंज आया है। वो चेंज क्या है? यहाँ पर भुगतान जो है पूरा नकद नहीं है, 50% है, यानी आधा नकद है और आधा उधार। अब इस एंट्री के लिए वर्किंग नोट समझते हैं, ठीक है। 5,000 रुपये का माल था, इस पर हमने कहा ट्रेड डिस्काउंट 10%, यानी 5,000 का 10%, 500 रुपये घटा करके माल रह गया 4,500 रुपये का। इसके दो हिस्से बना लो, कैश और क्रेडिट। कैश यानी नगद और क्रेडिट यानी उधार। तो देखो 4,500 में से 50% नगद है और 50% उधार है, यानी 2,250 का नगद और 2,250 रुपये उधार हुआ। ठीक, नगद और उधार दोनों ही टर्म्स को एनालाइज करते हैं तो किस तरीके से आप इसे वर्क करेंगे। तो देखिए, जो नकद था उस पर वो कह रहा है नकद भुगतान करने पर 5%, यानी कि इस पर कैश डिस्काउंट लगेगी 5% की। तो 2,250 का 5%, 112.50 रुपये इसमें से घटा दिए जाएंगे तो बच गया 50%। 9 में से 7, 4 में से 1 गया 3, 1, 2, 2,137.50। और ये रकम आपकी पूरी उधार रही है। ठीक, अब ये माल आपने जो है कमल को बेचा है तो बेचते समय जितना रुपया आएगा, अब इसकी एंट्री बनाते हैं। कैश अकाउंट DR हमारे पास 2,137.50 आ गए। जो छूट दी गई डिस्काउंट अकाउंट DR 112.50। ठीक, ये तो हो गई नकद का लेन देन। अब आते हैं उधार लेन देन। कितने का उधार है? 2,250। उसके लिए कमल डेबिट 2,250 रुपये और टू बेचा है, इसलिए सेल्स अकाउंट आपकी पूरी रकम 4,500 रुपये से बना दी जाएगी। याद रखना, व्यापारिक छूट घटती है, लिखी नहीं जाती। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसे भूले नहीं। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, टोटल माल के लिए सेल की रकम आपकी आ गई 4,500 रुपये की। जो माल उधार है क्रेडिट, वो कमल के नाम से आ जाएगा। जो पैसा मिल गया वो कैश के नाम से, और जो छूट दी गई वो डिस्काउंट के नाम से। ये सारी फिगर हमारे सामने आ चुकी है। अब आप इसकी एंट्री को ट्रांजेक्ट करते हैं। जितना रुपया मिल गया कैश अकाउंट DR, जो छूट दी गई डिस्काउंट अकाउंट DR, और उधार माल के लिए कमल DR और टू सेल्स अकाउंट। इस तरीके से ये एंट्री हमने बेचने के लिए बनाई है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये माल बेचने की जगह खरीदने की एंट्री होती तो पलट देते, परचेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट और टू कमल। ये एंट्री इस तरीके से बनाई जाती और ऐसे ही इसे बनाते, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अलग हटके दूसरी तरीके की कंडीशन बताता हूं। अब मैं अगली कंडीशन आप लोगों के सामने ले रहा हूं, क्योंकि होता क्या है, एग्जाम में सीधी सच्ची एंट्रियां बहुत कम पूछी जाती हैं। कि उन्होंने स्ट्रेट लाइन टीचर ने एक क्वेश्चन की पूछी और आपने बताई और फटाफट बना दी। अब मैं आपको बता रहा हूं, एंट्रीज ऐसी पूछी जाती है जिसके अंदर टेक्निकल कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। जैसे 5,000 रुपये का माल
अग्नि से नष्ट हो गया और बीमा कंपनी ने नब्बे प्रतिशत का दावा स्वीकार करा। ठीक, अब आती है ऐसी कंडीशंस जहां पर हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है और हम इन चीजों को नहीं एनालाइज कर पा रहे। ठीक, आज हम लोग इस चीज को और ध्यान से समझेंगे। जब भी कभी माल हमारे पास से कम हो जाता है तो उसके संबंध में कुछ कंडीशंस हैं, उन्हें हमें याद रखना है। जैसे जब भी कभी बिना बेचे माल हमारे पास से कम हो जाए तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। बिना बेचे माल कम होने पर हम जब एंट्री बनाते हैं तो उसके लिए बोलते हैं कि माल अभी हमने बेचा नहीं था और हमारे पास से कम हो गया, तो उसके लिए जब हम टर्म्स यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं अग्नि से हानि की कंडीशन। या और भी कई सारी कंडीशंस हैं, मैं बता देता हूँ किन किन दशाओं में माल बेचे बिना हमारे पास से कम हो जाए तो क्या करते हैं। जैसे अग्नि से हानि हो जाए, माल दान में दिया, माल नमूने के रूप में बेचा, ठीक है, माल दान में दिया, माल अग्नि से हानि हो गया, माल नमूने के रूप में किसी को दे दिया, सैंपल्स के रूप में फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये सारी दशाओं में जब आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो इसकी कुछ टर्म्स को आपको याद रखना है। इन सारी दशाओं में हमें टू परचेज अकाउंट लगाना है। देखिए 5,000 रुपये का वर्किंग नोट समझ लेते हैं पहले। 5,000 रुपये का माल नष्ट हुआ, ठीक है ना, लिख देता हूँ नष्ट माल, बीमा कंपनी से मिला दावा 90% का है तो 9×5,4,500 का ही तो हो गया, बचा कितना 500, ये है हानि। लिख देता हूं आपके लिए अग्नि से। अब इस तीन चीजों को लेकर के हमें एंट्री बनानी है। कैसे बनेगी ध्यान देते हैं, हम बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी DR, यहां पर इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम दोनों शब्द यूज किए जा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इंश्योरेंस कंपनी DR जितना दावा बीमा कंपनी स्वीकार करती है वो है 4,500। लॉस बाय फायर अकाउंट DR, जो हानि हुई, 2 परचेज अकाउंट, पूरा का पूरा 5,000 रुपये का माल। ठीक है, ये एंट्री इस तरीके से बनेगी, जितना भी माल नष्ट हुआ उसके लिए लॉस बाय फायर है, जितना बीमा कंपनी दे रही है उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम है, और जो हमारा माल खत्म हुआ है वो सारा माल कैंसिल करने के लिए 2 परचेज अकाउंट यूज किया जाएगा। तो यहाँ एंट्री कुछ इस तरीके से बना करके दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ तक की एंट्रियाँ सबकी समझ में आ रही होंगी। अब इन्हीं चीज़ों से आगे और बढ़ते हुए कुछ और डिफरेंट एंट्रीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उन्हें भी ध्यान देंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक आध एंट्री और होती है, जैसे अग्नि से हानि की भी अगर माल दान में दिया है ना, तो आज मैं एक चीज दान के ऊपर बता रहा हूं, दान दिया, कंडीशन उसके अंदर होती है नकद 1,000 रुपये और माल 500 रुपये। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दो दो चीजें आ गई, कैसे पोस्ट की जाएगी। कुछ नहीं सोचो, एक सिंपल सा आसान सा लॉजिक लगाओ, दान दिया है यानी कि डोनेशन, अकाउंट DR, चैरिटी भी कह सकते हैं, 2 कैश अकाउंट और 2 परचेज अकाउंट। अब नकद दिए हैं 1,000 रुपये, माल दिया है 500, टोटल हो गया
1500 रुपये, यहाँ आकर के ये एंट्री इस तरीके से बनाई जाती है। दैट मीन्स डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेज अकाउंट, ऐसी एंट्रियाँ भी अक्सर हमारे लिए मिलती हैं जिन्हें हमें इसी तरीके से फॉलो करना होता है। ये एंट्री आप सभी की समझ में आ गई? ठीक, हमेशा याद रखो, अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। कैश, ये ट्रिक स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्हें जनरल एंट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो बनाते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बाप रे कैसे होगी, एक्चुअली क्या है, स्कूलों में अब आपको ऑनलाइन क्लास मिल रही है, अगर आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को हाथ के हाथ हमसे डिस्कशन करेंगे टीचर से, तो हम आप लोगों को बता देते हैं और कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन ये परेशानी ऑनलाइन पे आती है कि बच्चे कन्फ्यूजन में रह जाते हैं और उन्हें क्लियर नहीं कर पाते, तो वो मैं आज कोशिश करता हूँ एक ट्रिक से बता रहा हूँ। कोई भी जनरल एंट्री आप बनाओगे उसमें मैक्सिमम एंट्रियाँ, अधिकतर एंट्रियों का 50% भाग, 50% पार्ट कैश अकाउंट का होता है। कैश के साथ टर्म्स जुड़ी होती है, कैश DR या कैश टू, है ना, कैश टू DR करना है या टू करना है। तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखो, अगर कैश हमारे पास आ रहा है, आने वाला है, तो उसे डेबिट करेंगे, और जाने वाला है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, किसी से रुपया लेते हैं तो हम कहते हैं लाओ भाई, आने पर ऊपर, और जब हम किसी को देते हैं तो नीचे से कह देते हैं लो भाई। ठीक है ना, इसी चीज़ को याद रखना। तो आने वाला कैश डेबिट होता है और जाने वाला क्रेडिट होता है। अगर मुझे एंट्री का 50% भाग पता चल गया है तो अगला 50% तो मैं अपने आप ही लगा दूंगा। जैसे सपोज करो कंडीशन होती है माल खरीदा, है ना, बहुत आसानी से समझने वाली बात है, 1000 रुपये। अब 1000 रुपये का माल खरीदा, इसकी एंट्री आपको बनानी है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना याद करो कि कैश का क्या रोल है, कैश आने वाला है या जाने वाला है। जब माल खरीद रहे हैं तो कैश हमारे पास से, बिल्कुल ठीक, जाने वाला हो गया, इसलिए एंट्री में टू कैश अकाउंट तो रहेगा ही रहेगा। अब आ क्या रहा है, क्या आ रहा है भाई, माल आ रहा है, इसलिए माल को खरीदने वाली फॉर्म होती है परचेज, परचेज अकाउंट DR, ऑटोमेटिकली एंट्री बन के तैयार हो गई, है ना। उनने कहा राम से 1000 रुपये प्राप्त हुए, अब उन्हें कंडीशन दी राम से 1000 रुपये प्राप्त हुए। कुछ मत सोचो तुम्हें जनरल एंट्री नहीं आ रही, तुम्हें इतना पता चल रहा है कि यहां पर रोकड़ यानी कैश है, आने वाली है या जाने वाली, यहां से पता चलती है, देखो क्या है, आने वाला, आने वाला है ना, इसलिए डेबिट कर दो कैश अकाउंट DR। अब अपोजिट नरेशन सोचो, किससे मिले भाई, राम से, तो इसलिए टू राम, ये एंट्री इस तरीके से बन गई। आज मैंने आप लोगों को बहुत सारी कंडीशन एंट्रीज सिखाई और सब आपको समझ में आई, और फिर बाद में आकर के मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक जनरल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे थे उनके लिए मैंने कुछ बेसिक फंडा बताया कि किस तरीके से हम एंट्री का 50% भाग सीख के कर लेंगे और कितने को हम ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देंगे। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो आज का समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।